आज हम बात करेंगे, मैंने बोला आपसे जैसा कि आपके सामने स्लाइड में दिख भी रहा है, कंप्यूटर से प्रीवियस ईयर के आपके बैंकिंग में या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके। ऋचा उपाध्याय जी, गुड मॉर्निंग जी। ऋचा जी आ जाइए फटाफट आप लोग। और भाई अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किलोग्राम पे, मिलीग्राम पे, मतलब जो भी ग्राम हो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप एक्टिव रहते हैं अपने इस धीरेन सर के सेशन को मैक्सिमम शेयर करिए और प्रयास करिए सेशन हमारा हिट हो जाए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो है इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से डिस्कस करें, आपसे मुखातिब हो। तो चले दोस्तों, बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन जी, बिल्कुल। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ मैं, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। मतलब क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग इसके उदाहरण है, मतलब किसके उदाहरण है ये, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट। इज दिस यूजफुल फॉर पीटी, बिल्कुल ऋचा जी, ऋचा उपाध्याय जी, बिल्कुल। ये सेशन स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें हम, राज्य सरकार के एग्जाम की बात करें, तो उसमें आपको पता है कि लेखपाल, वीडियो या किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपसे ट्रिपल सी मांगा जाता है। ट्रिपल सी का मतलब कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, तो इसीलिए मांगा जाता है कि क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है। तो जो लेखपाल का, वीडियो का या जूनियर असिस्टेंट का जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, वहां से मैं आपको बता दूं, विगत वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से देखने को मिलते हैं, जो कि मिले भी हैं। बाकी अगर हम बैंकिंग की बात करें, तुम्हारे बैंक के एस्पिरेंट्स एकदम निश्चिंत हो जाएं, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, जितना पढ़ाऊंगा उतना एग्जाम में आएगा, उसे बाहर का नहीं आएगा। IBPS RRB में दोस्तों अभी तक ये मेरा इतिहास रहा, रिकॉर्ड रहा है, हमारे द्वारा पढ़ाए गए 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली मैच किए हैं। RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक। PO क्लर्क की तैयारी आप अगर कर रहे हो या नेशनलाइज बैंक में PO की तैयारी कर रहे हो, SBI PO की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें अगर कंप्यूटर सेक्शन पूछा जा रहा है तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। दीपा दुबे जी, हेलो जी। शालू सिंह जी, गुड मॉर्निंग जी। निहारका कश्यप जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निहारका कश्यप, शालू सिंह AA, आकाश कुमार A। भाई देखो, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, दीपा जी आपने गलत आंसर दिया है। देखिये दोस्तों, जो वर्ड प्रोसेसिंग है आपका, मैंने शायद अभी कल या परसों में ही इसी प्लेटफॉर्म पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इसी प्लेटफॉर्म पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्कस किया है, पढ़ाया है। और दोस्तों मैंने उसमें आप लोगों को बताया है, अगर आपको ध्यान हो, MS Word के बारे में मैंने समझाया है, MS Word क्या होता है। और हम लोगों ने कल ही MS Excel स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कल ही MS Excel स्टार्ट किया था दोस्तों। जैसे MS Word होता है, इसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और MS Excel को भी हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं गाइस, ओके। और जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आपका कोरल ड्रा हो गया, आपका पेज मेकर हो गया, आपका एडोब फोटोशॉप हो गया, तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको बिल्कुल पता होगा अच्छे से कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जिस पर यूजर काम करता है, मतलब हम और आप काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया होता है। किसके लिए डिजाइन किया गया होता है गाइज? सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में ओवरऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, और यूजर को काम करने के लिए, हमको और आपको काम करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, या आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन जो पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, ये किसके उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिस पर यूजर काम करता है, हम और आप काम करते हैं। तो ऋचा उपाध्याय जी, सर ट्रिपल सी के लिए पीडीएफ मिल सकती है क्या आपके टेलीग्राम पर? बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ना ज्वाइन किया हो, धीरेंद्र प्रताप सिंह एजुकेटर आप सर्च कर लीजिएगा, धीरेंद्र प्रताप सिंह एजुकेटर नाम से तो टेलीग्राम मिल जाएगा और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ जो हमारी सफलता पर क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, उसके क्लास के रिगार्डिंग भी आपको मैं इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिल्कुल इससे आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग क्लास जो है, क्लास को एंजॉय करिए, क्लास अच्छे से करिए, ठीक है। इन एक्सेल वी कैन डू आवर ऑफिस रिलेटेड, एक्चुअली निहारिका कश्यप जी मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जितने भी जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो इसमें आप ऑफिस से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो। जैसे वर्ड पे दस्तावेज बनाना हो गया, डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, एक्सेल पे स्प्रेडशीट बनाना हो गया, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आपकी छोटी छोटा मोटा फर्म है, तो उसमें आप कुछ इंप्लॉई का डेटा अलग अलग शीट में मेंशन कर सकते हो, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, कितना प्रोडक्ट आया, कितना गया, जो भी आप उसका जो है एनालिसिस आप कर सकते हो एमएस एक्सेल में। और जो मैं अभी क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने पीपीटी के माध्यम से लेक्चर डिजाइन किया है। जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीपीटी पे कर रहा हूँ, और पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमको देता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ना होता, तो हो सकता मैं किसी और प्लेटफॉर्म का यूज करता प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, लेकिन एक प्रकार से मैं जो आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ कंटेंट अपना, वो पीपीटी के फॉर्म में। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम है .ppt, है ना। तो पावर पॉइंट भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो किस फैमिली का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। और ये मैंने अभी दो दिन सैटरडे को और मंडे को जो क्लास लिया है, इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ाया है। तो इसलिए आपको निश्चिंत होकर, निसंदेह आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करेगी क्लासेस को अटेंड करनी चाहिए और जो मैं कहूँ उस पर अमल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ इज अप्रोक्सीमेटली 1 billion bytes, मतलब लगभग 1 billion bytes के बराबर क्या है? दिए गए विकल्प में, दिए गए ऑप्शन में लगभग 1 billion bytes के बराबर क्या है, और मैंने ये भी आपको समझाया है। जितने भी लोग मेरे रेगुलर कैंडिडेट हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है, और फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, अपने आप को आप जज कर सकते हो, अपना लेवल आप देख सकते हो कि आप किस लेवल पे हो। धीरेंद्र सर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके अपकमिंग एग्जाम में जितना सीरीज में प्रोवाइड करूंगा आपको, जितना सीरीज में दूंगा, सारे सीरीज में से क्वेश्चन फंसेंगे, ये मैं चिल्ला चिल्ला के इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पहले किया है, करके दिखाया है, तो मैं बोल रहा हूँ। और मैंने नहीं, बच्चे बोलते हैं, बच्चों का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको कि हाँ सर, आपके द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला गया, 1 billion bytes लगभग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आप देखो, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए हैं, अब मैं उनको पहले कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि मेरा जो क्लास होता है, मैं रटाता नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझा रहा हूँ, ताकि आप उसको बकायदे नोट्स बनाते चलिए और नोट करते चलिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, सबसे कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, बिट को कहते हैं कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, और ये मैंने अपने मेमोरी यूनिट में पढ़ाया है, मैंने अपने मेमोरी यूनिट में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपका होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट जो होता है वो बिट का फुल फॉर्म होता है, जिसमें केवल 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। अब देखो, 1 byte से मिलकर क्या बनता है? 1 byte से मिलकर बनता है दोस्तों 8 bit, 8 bit कहते हैं। अच्छा देखो, अब 1 kilobyte में कितने बाइट होते हैं? तो 1 kilobyte में एग्जैक्ट होते हैं 1024 byte, एग्जैक्ट होते हैं। अच्छा, इसका राउंड फिगर अगर आप करोगे, तो आप बताओ मुझे 1 kilobyte में कितने बाइट अप्रॉक्स, अगर पूछा जाए आपसे, आपसे पूछा जाए अप्रॉक्स कितने बाइट होंगे, तो आप कहोगे सर 1000 byte, 000। इसको आप बोलोगे सर 1000
1000 बाइट, ध्यान समझना मेरे क्लास को, ध्यान समझना, आप बोलो कोई 1000 बाइट अप्रोक्सीमेटली होंगे 1 किलोबाइट में, तो ऐसे 1 मेगाबाइट अब हो गया, तो वैसे तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी के, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बाइट के फॉर्म में पूछ रहा है, बाइट के फॉर्म में है ना। तो अब देखो यहाँ पे मेगाबाइट, तो मेगा में आप इसी में काम करो, थाउजेंड्स के बाद मेगा आप 000 3 जीरो और बढ़ा दो, तो आपका हो जाएगा 1 मिलियन बाइट। क्या हो जाएगा? 1 मिलियन बाइट, ध्यान देना मेरे दोस्तों, 1 मिलियन बाइट अप्रोक्स। अच्छा अब आ जाए पूछे आपसे 1 गीगाबाइट, फटाफट ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूं मैं आपको, है ना, जगह यहाँ पे नहीं है, 1 किलोबाइट 1 मेगाबाइट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 1 गीगाबाइट। आप पूछे 1 गीगाबाइट, तो आप कहेंगे 1000, 000 मिलियन और 000 बिलियन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट दोस्तों। तो इसमें पूछा गया 1 बिलियन बाइट किसके बराबर है, तो 1 गीगाबाइट के, तो आंसर 1 गीगाबाइट हो जाएगा आंसर। जितने लोगों ने सी दिया है, सी विल बी करेक्ट आंसर, जितने लोगों ने सी दिया। अच्छा एक काम और करना, अभी आप क्लास कर रहे हो ना, तो आप अपने मार्क्स को लेते चलना, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप बताना मुझे, अभी लास्ट में पूछूंगा मैं कि सबका कितना सही हुआ है, ईमानदारी से बताना आप लोग, ठीक है, बोलो सही है ना। चलो अब इतना हो गया। अच्छा आगे अगर 1 टेराबाइट आ जाए, तो 1 टेराबाइट में आप क्या करेंगे, तो 1000000 000 मिलियन 000 बिलियन फिर 000 आपका हो जाएगा ट्रिलियन, तो आप कह सकते हो सर 1 ट्रिलियन बाइट। तो दोस्तों चाहे वो डिजिट के फॉर्म में पूछे, चाहे वो लिख के पूछे, मेरे भाई आप ऐसे आंसर दोगे जैसे मैं दे रहा हूं आपको, अप्रोक्सीमेटली का मतलब अनुमानित या लगभग होता है, लगभग। तो बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आरडी दीक्षित जी क्या क्वेश्चन है आपको, आपका श्वेता सिंह जी 1024 बाइट, ठीक है 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट की होता है, 1024 बाइट बराबर जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू 1 केबी की होता है, और 1024 केबी बराबर जो होता है वो 1 एमबी की होता है, और 1024 एमबी बराबर जो होता है वो 1 जीबी के होता है, और 1024 जीबी बराबर जो होता है वो 1 टीबी के होता है, और 1024 टीबी बराबर जो होता है वो 1 पीबी के होता है, और 1024 पीबी बराबर जो होता है वो 1 ईबी के होता है, 1024 ईबी बराबर जो होता है वो 1 जेडबी के होता है, 1024 जेडबी बराबर जो होता है वो 1 वाईबी के बराबर होता है, 1024 वाईबी बराबर जो होता है वो 1 बीबी के बराबर होता है। बोलो बीबी पे आके खत्म, बीबी का मतलब होता है ब्रोंटोबाइट, बीबी का मतलब होता है ब्रोंटोबाइट, वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट, योटाबाइट लोटा मत लिख देना, योटाबाइट, जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट, जेटाबाइट। आप लोगों ने अगर रजनीकांत की मूवी देखी होगी रोबोट, तो उसमें बताता है वो अपने बारे में, पूछता है कि तुम्हारा फीचर क्या है, जैसे मैं इंसान हूँ मैं अपना परिचय दूंगा कैसे, मेरा नाम धीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, मैं ये मेरा ये प्रोफेशन है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन एक मशीन जब अपना इंट्रोडक्शन देगा, एक कंप्यूटर यानी एक रोबोट जब अपना इंट्रोडक्शन देगा, तो अपने फ्यूचर के बारे में बताएगा, यस आई एम जिट्टी, चिट्टी, वो जिट्टी से नाम लिया था, 1 टेराहर्ट्ज मेमोरी, 1 जेटाबाइट मेमोरी, 1 टेराहर्ट्ज प्रोसेसर, ये बोलता है वहां पे, मतलब मेरे पास मेमोरी कैपेसिटी है 1 जेटाबाइट की है, उस मूवी में सुनना, मूवी में बोलता है, और मेरे पास जो प्रोसेसर है वो 1 टेराहर्ट्ज का है, टेराहर्ट्ज का मतलब कि 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड टास्क को एग्जीक्यूट करेगा पर सेकंड। भाई टेराहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, किलोहर्ट्ज का मतलब थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मैंने बताया था, मेगाहर्ट्ज का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, गीगाहर्ट्ज का मतलब बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, टेराहर्ट्ज का मतलब ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, पेटाहर्ट्ज का मतलब क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने का यूनिट होता है, जैसे मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज आप यूज करते हो। आप जब मार्केट में स्मार्टफोन लेने जाते हो तो आप कहते हो देखते हो सब कुछ, तो देखते हो कितनी मेमोरी है, अच्छा इतनी मेमोरी है,
अच्छा प्रोसेसर किस क्या है, तो बताता है दुकान वाला, सर इतने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज। तो जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज होगा, मेगाहर्ट्ज जितना ज्यादा होगा, टेराहर्ट्ज जितना ज्यादा होगा, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी आपके सिस्टम की या आपके स्मार्टफोन की। तो चीजें आपको समझ में आ रही जो बता रहा हूं मैं, टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है कि मैं आपको समझा रहा हूं इस तरीके से, आपको इस तरीके से कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करेंगे, कितने कंफ्यूज है ये, कौन कंफ्यूज है भैया, सालू सिंह, ऋचा उपाध्याय जी कौन कंफ्यूज हो गया बताइए फटाफट, ऋचा उपाध्याय जी, श्वेता सिंह जी, कौन कंफ्यूजन में आ गया भैया बताओ। यहाँ पे जो मैंने बताया ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन आप नोट भी कर सकते हैं, पेन डाउन भी कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से सभी इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है सिवाय, मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, मतलब किसके अलावा सारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट भाई आंसर दीजिए, बेहतरीन। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा सेशन आप देख डालना, आपको यूट्यूब पे ऐसा सेशन कहां मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ हिट करा दो यार, सेशन को हिट करा दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, फैला दो हर जगह, पढ़ने वाले बच्चों के फोन में होना चाहिए, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं तैयारी करने वाले हैं सबके फोन में होना चाहिए मेरा सेशन, ध्यान दीजिए, है ना, मतलब ये प्लेटफॉर्म, ये सेशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। अब देखो सर पीडीएफ दे दीजिएगा, अंजलि पंडित जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल मैं आपको दे दूंगा, परेशान मत हो, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, धीरेंद्र प्रताप सिंह सर्च करके वहां पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे सफलता के ऐप पर पीडीएफ मिलता है आपको, सफलता के साइट पर जाओगे तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल क्वेरी, मतलब कुछ क्वेरी करना हो, तो आप उस टेलीग्राम के माध्यम से हमसे क्वेरी कर सकते हो, मेरा नाम सर्च करके धीरेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए अब देखो प्रिंटर, देखो दोस्तों सारे इनपुट डिवाइस का मैंने सब पढ़ाया है यार, सब पढ़ाया है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर इट कन्वर्ट्स लिख सकते हो सर, इट कन्वर्ट्स स्कैनर हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, बोलो मेरे भाई हार्ड कॉपी को सॉफ्ट, जो भी आपके पास नोट्स होता है, कोई आपसे नोट्स मांगता है भैया मुझे अपना जरा नोट्स दे दो, भेज दो, जैसे आप क्लास मान लीजिए करते हो, आप मेरा क्लास कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो, कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे पन्नेलाल कुशवाहा जी आए हैं, ट्रिपल सी का पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा ट्रिपल सी का पीडीएफ, ट्रिपल सी का तो बेताज बादशाह हूँ यार, जो बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, जो बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा और आप पास हो जाओगे। चलिए तो देखो, तो आप कहते हो जैसे मान लीजिए पन्नेलाल जी क्लास कर रहे हैं, वो आज मेरा क्लास कर रहे हैं, कल मिस हो गया, और प्रिया श्रीवास्तव जी से बोलते हैं मैडम जरा वो जो मेरा मैंने कल का क्लास मिस हो गया उसका पीडीएफ प्लीज दे दीजिएगा, तो मैडम नोट्स बनाई हैं, खड़ा कर स्कैन करेंगी, स्कैन करने के बाद पीडीएफ बना के भेज देंगी उनको, तो यही तो होता है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस सबको पता है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस होता है, जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है और स्कैनर का जस्ट अपोजिट करता है। प्रिंटर जो होता है आप कहोगे इसके बारे में इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। अगर किसी को मैं पीडीएफ भेज दूं तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहेगा, पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहेगा, मतलब जो आप देखते हो सॉफ्ट कॉपी है, अभी आप जो देख रहे हो सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन आप प्रिंटआउट उसका ले लोगे तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कौन करता है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो आंसर प्रिंटर करता है, और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कौन करता है, स्कैनर करता है। लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, वो इनपुट लेता है, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो आउटपुट देता है। कीबोर्ड द किंग ऑफ, यार कीबोर्ड द किंग ऑफ इनपुट डिवाइस, ये तो इनपुट डिवाइस का राजा है, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस, ये तो इनपुट डिवाइस का राजा है मेरे भाई, इनपुट डिवाइस का राजा है कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड क्या है, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑड वन, मतलब कौन सा ऑड है, कौन सा डिफरेंट है, सारे इनपुट डिवाइस है प्रिंटर को छोड़कर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर गाइज, समझ में आया, मैं रटाता बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं चीजों को समझा के चलता हूं, ठीक है। और दोस्तों ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर क्या होता है मैंने कई बार बताया है,
फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन बाई आईज एंड फेल्ट बाई टचिंग, दैट इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो भौतिक पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सारे इनपुट डिवाइस, सारे आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू और आपका स्टोरेज डिवाइस, ये हार्डवेयर होता है, मैंने पढ़ा रखा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स यूज द लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस लैंग्वेज का, किस भाषा का उपयोग करता है, किस भाषा का उपयोग करता है? आईबीपीएस प्री 20 दिन में तो हो सकता है क्लियर प्री एग्जाम। मोटिवेशनल वीडियो रमन जी, मोटिवेशनल वीडियो रमन जी, आप तो खुद ही अब मोटिवेशनल, आप एक वर्ड अपने साथ लेके चल रहे हो, मोटिवेशनल बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है दोस्तों, पढ़ाई में सब कुछ संभव है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ चीजों को समझना पड़ेगा और आपको बिल्कुल समय अपना देना पड़ेगा। पढ़ाई में सब कुछ संभव है क्योंकि इंसान ही करता है, कोई दूसरे ग्रह से प्राणी करने नहीं आता है, हम ही आप करते हैं, है ना। तो आप जो करते हैं हम ही और आपके बीच में से लोग करते हैं। हम जब नहीं कुछ कर पाते हैं तो अपने आप को एक बहाना बताते हैं, कुछ और कुछ बहाना बता के अपने आप को हम जो है क्या कर लेते हैं, अपने सेटिस्फाई कर लेते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कुछ बहाना बता के, अरे यार ये होता मैं कर लेता, वो होता कर लेता। अपने आप को अंधेरे में मत रखो, अंधेरे में से निकालो, उजाले की ओर लाओ और चीजों को करो, ठीक है। तो भाई यस आई आल्सो टू ट्रिपल सी पी डी बिल्कुल, जितने भी लोग निहाल कश्यप, जितने भी लोग चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं यार, आप बेफिक्र होकर हमसे जुड़ जाइए और मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे हैं मोटिवेशनल जी, बिल्कुल श्वेता सिंह जी का कहना है प्रिंटर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी, बिल्कुल सही कह रही है, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, श्वेता सिंह बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा, और बाइनरी मतलब मैंने बोला कि 0-1 होता है, उसका बेस 2 होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर क्या यूज करता है, बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है, केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों ये रहा, वह डेटा है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है या प्रस्तुत किया गया है, इज अ डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल वे। वह डेटा है जो मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किया जाता है, प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए डेडिकेशन के साथ पूरा पढ़ाता हूं, मेरा फुल डेडिकेशन होता है, 100% मैं अपने आप को यहां पे देता हूं, पूरा झोंक देता हूं। मैं सोचता हूं मेरे पास जो नॉलेज है जितना मैं दे पाऊं उतना मेरे लिए कम है, मैं सोचता हूं जितना दे पाऊं उतना आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूं, है ना। यूपी में सुपर टेट होने वाला, सुपर टेट में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जितने आपके कांटेक्ट में यूपी में पढ़ने वाले सुपर टेट के बच्चे होंगे शेयर कर देना उनको। यूपी एएसआई में 25 नंबर क्वेश्चन आएगा, यूपी एएसआई में जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे शेयर कर देना उनको। आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, आरआरबी क्लर्क पीओ की बात करें, 40 क्वेश्चन आएगा, क्लर्क में 40 क्वेश्चन आएगा, पीओ में 20 क्वेश्चन आएगा, शेयर कर देना जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, शेयर कर देना और बताना कि स्ट्रक्चर का क्लास कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, किस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है आपको। तो मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप एनालिसिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट के साथ चीजें डिस्कस कहीं नहीं करी जा रही है, केवल इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि बच्चों के फीलिंग को, आपके मनोभाव को मैं समझता हूं, देन मैं चीजों को प्रोवाइड करता हूं, है ना। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इंफॉर्मेशन बी 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 बी, बिल्कुल कई लोगों का आंसर आ रहा है भाई, देख लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल नाम लूं। सबसे पहले पन्नेलाल कुशवाहा जी, हरीश जी, श्वेता सिंह जी, शालू सिंह, अंजलि पंडित जी, निहारिका कश्यप, रितु रितु मखलोगी मखलोगा, एग्जैक्टली शालू सिंह सर, पीटी में कंप्यूटर नहीं आता है क्या? बिल्कुल पीटी में नहीं आता है, पीटी के बाद आप लेखपाल और वीडियो, पीटी तो एक प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, आप उसके बाद जब वो आपको स्कोर कार्ड एक साल के लिए मिल जाएगा, पीटी आपके लिए आपको एक स्कोर कार्ड दे देगा। अब स्कोर कार्ड रहेगा आपके पास तो जो वैकेंसी आएगी लेखपाल की, वीडियो की, जूनियर असिस्टेंट की, यानी कि ग्रुप सी की जितनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आएगी, तो आप वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई तभी कर पाएंगे जब पीटी आपके पास होगा। तो पीटी में जीएस में क्वेश्चन आ सकता है, सिलेबस में तो नहीं, लेकिन जीएस में कंप्यूटर होता है, जीएस में तो आ सकता है, लेकिन जब लेखपाल वीडियो और उसमें आओगे आप,
तो उसमें तो 5-6 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, क्योंकि आपसे ट्रिपल सी मांगता है, और जो ट्रिपल सी नहीं किया होगा वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ट्रिपल सी मस्ट है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट मस्ट है, जो कोर्स होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है भाई, बिल्कुल जितने भी लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप इनपुट देते हो, इनपुट देते हो, और इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद क्या होता है, आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब आप इनपुट देते हो तो इनपुट क्या देते हो, आप इनपुट डेटा देते हो, डेटा। कुछ लोग डाटा पढ़ते हैं, डाटा पढ़ना गलत होगा, डेटा सही होता है। कुछ लोग डेटा इनपुट देते हैं, अच्छा डेटा क्या होता है, डेटा एन अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित होता है। डेटा इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो कि अव्यवस्थित होता है। अब प्रोसेस हुआ, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू को। तो प्रोसेस हुआ, आपको आउटपुट मिला, जो आउटपुट मिला यही कहलाता है माय डियर फ्रेंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इसी को आप कहते हो सूचना। तो आपका बी आंसर विल बी करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो आपसे मैंने डिस्कस किया। बताइए फटाफट आया कि नहीं आया, आई हैव डन ट्रिपल सी विद ए ग्रेड, क्या बात है श्वेता सिंह जी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दीपा दुबे जी, श्वेता कहाँ से हो अभी, अब दीपा दुबे जी सबसे दोस्ती यहाँ पे करने लगती है, शालू से दोस्ती कर रही थी, शालू का नंबर लगातार मांग रही थी, श्वेता से दोस्ती करने लगी है। अच्छी बात है, दोस्ती करिए आप, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, है ना। लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई पे फोकस करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन समय को भी ध्यान में रखना है, लगातार बैक टू बैक सेशन है, तो अभी आपको और भी क्लासेस लेनी होगी, तो आप लीजिए, इंजॉय करिए। फिर से एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों मैं आप लोगों से, है ना, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बात एग्जाम की में आप जुड़ना मत भूले हमारे साथ, डेली सुबह, रोज सुबह 9 बजे जीए के साथ बात एग्जाम की का शो होता है दोस्तों। और बात करें अगर 10 बजे तो बात एग्जाम की का शो होता है कंप्यूटर का, तो जुड़ना ना भूले 9 बजे और 10 बजे रोज सुबह, केवल सफलता क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कोई डाउट हो तो क्वेश्चंस करते रहिए, आगे हम आपसे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते रहेंगे और मुलाकात करते रहेंगे। दीजिए हमको इजाजत, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।